गाइस गाइस, मैं हूँ मोनू और दोस्तों आज हम आ गए हैं एक प्राकृतिक जगह, नेचुरल जगह पे, जहाँ से हमें दिखेगा पूरा प्राकृतिक नजारा। दोस्तों हम एक ऐसे तालाब पर हैं जो करीब 21 से 25 साल पुराना है। जी हाँ दोस्तों, 21 से 25 साल पुराना तालाब। और दोस्तों हम बहुत जल्दी उसका पूरा व्यू और उसके आसपास का पूरा प्राकृतिक व्यू, नेचुरल व्यू देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। तो दोस्तों हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गई है और हम आ गए हैं उस तालाब पर जो कि करीब 25 साल पुराना है। जी हाँ दोस्तों, 25 साल पुराना। और दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल करीब से, काफी बड़ा भी है। और ये उसका पूरा जो वहाँ पे लॉन्ग टर्म में दिखाई दे रहा है वो उसका पूरा बाउंड्री वॉल है। और दोस्तों आपको इसमें कुछ एनिमल्स भी दिख रहे होंगे जो कि गर्मी में पानी का आनंद ले रहे हैं और अभी हम उनके करीब भी जा रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ेंगे कि किस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे भैंसे हैं और बहुत सारे गाय वगैरह भी हैं, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से पानी में इंजॉय कर रहे हैं। और दोस्तों आप तालाब के आसपास का पूरा व्यू देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत ज्यादा खूबसूरत व्यू है। ये देखिए दोस्तों, ये तालाब के आसपास का पूरा व्यू है और बहुत खूबसूरत है। और दोस्तों अभी अभी जल्दी मुझे पता चला है कि यहाँ पर एक बड़ा प्लेग्राउंड बनने वाला है स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, ताकि इस ग्राउंड में बड़े बड़े गेम्स भी हो सके। और दोस्तों अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और देखेंगे इस तालाब में आगे और क्या क्या है और तालाब के आसपास और क्या क्या है। और दोस्तों आज हमारे साथी हैं हमारे कालू भाई, जिन्होंने अभी जल्दी बताया है कि इस तालाब में कई सारी मछलियां भी हैं और कई वैरायटीज की भी हैं। तो अभी तो दिख नहीं रही हैं, लेकिन जैसे ही दिखेंगी तो मैं आपको पूरा करीब से दिखाने की कोशिश करूंगा। और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आप देख लीजिए यहाँ पर कई सारे एनिमल्स हैं जो कि चारा वगैरह भी खा रहे हैं और कई सारे हैं जो पानी पी रहे हैं और कई सारे ऐसे हैं जो कि तालाब में इंजॉय कर रहे हैं। तो बस अब हम बहुत जल्दी उनके पास पहुंचने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या होता है। और ये देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं बिल्कुल नजदीक और ये देखिए यहाँ पे एक रेड कलर की गाय खड़ी है और वहां पर दो तीन एनिमल्स छोटे छोटे और हैं जो कि एनिमल्स के बेबीज हैं। और दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा डाउन होना पड़ेगा, थोड़ा सा उतरना पड़ेगा, थोड़ा सा संभाल के। और अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पर और ज्यादा एनिमल्स हैं। और दोस्तों सबसे मजेदार बात जो कि मुझे यहाँ सबसे अच्छी लगी वो है करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 भैंसे हैं वहां पे जो कि पानी में इंजॉय कर रही हैं। दोस्तों बिल्कुल बिंदास, सबसे अच्छा काम मुझे यही लगता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या है। ये देखिए दोस्तों ये एनिमल्स हैं और ये पानी में बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ पसंद आया होगा। ओके बाय, थैंक यू।